नमस्कार, मेरा नाम भजनलाल कुमार है और आप देसी न्यूज के माध्यम से देख रहे हैं। तस्वीरें सीधे देख सकते हैं कि डॉक्टर मीसा भारती जो कि पाटलिपुत्र के सांसद है वो पहुंच चुकी है। फिलहाल अगर आप देखेंगे तो राजद के तमाम पार्टी के नेता हैं। अगर बात करें तो पटना जिला अध्यक्ष पूर्व विधायक दीनानाथ सिंह यादव दिखेंगे, वही पूर्व जिला परिषद प्रोफेसर डॉक्टर अशोक यादव दिख रहे हैं और तमाम कार्यकर्ता जो हैं बाजे गाजे के साथ डॉक्टर मीसा भारती के स्वागत में लगे हुए हैं। यहाँ फुटबॉल मैच के उद्घाटन के लिए पहुंची हैं। पूरी खबर हम आपको बताते हैं। पटना जिला के पालीगंज अनुमंडल मुख्यालय क्षेत्र के भेड़िया इंग्लिश गाँव स्थित महात्मा गांधी खेल के मैदान पर महात्मा गांधी युवा फुटबॉल क्लब द्वारा आयोजित किया गया खेल, जिसमें बढ़ चढ़कर नेता से लेकर युवा तक हिस्सा लिया है। अगर हम बात करें मुकाबले को लेकर तो मुकाबला दो पक्षों में हुआ है, दोनों बड़े ही संघर्षपूर्ण रहा। एक तरफ महिला को महिला से, दूसरी तरफ पुरुष को पुरुष से खिलाया गया था, जिसमें दोनों ने बहुत ही अच्छे प्रदर्शन किया है और दर्शकों को काफ़ी रोमांचक मुकाबला देखने को मिला है। जिसमें हम अगर बात करें पटना जिला के पुरुष टीम की तो भोजपुर जिला के टीम को 1-0 से हराकर चैंपियन बना है। दूसरी ओर बात करें बिहार के खगड़िया जिला के महिला टीम की तो झारखंड के हजारीबाग से आई महिला टीम को हराकर चैंपियन बनी है। चमचमाती ट्रॉफी पर महिला टीम और पुरुष टीम ने कब्जा जमाया है। इस मैच को देखने के लिए आ रहा पटना जहानाबाद अरवल समेत कई जिलों से हजारों की संख्या में बड़े पैमाने पर दर्शक जुटे थे और दोनों मुकाबला को उन्होंने बहुत ही दिलचस्प तरीके से देखा है। इस आयोजन के मुख्य अतिथि के रूप में पाटलिपुत्र सांसद डॉक्टर मीसा भारती भी मौजूद रही। वही अगर बात करें तो प्राइज का सेशन भी चल रहा है। स्थानीय विधायक संदीप सौरभ दिख रहे हैं, वही और तस्वीर में देखेंगे तो पूर्व विधायक सह राजद के जिला अध्यक्ष कहे तो दिखाई देंगे दीनानाथ सिंह यादव जी। मसौढ़ी विधानसभा की विधायिका रेखा पासवान आपको दिखाई देंगी बगल में और कई कार्यकर्ता जो हैं राजद के वो उपस्थित रहे और खास करके फुटबॉल खेलते हुए भी नजर आए कई नेता। और पूरी खबर आप देखते जाइए। दर्शकों की सबसे पसंदीदा मोमेंट की बात करें तो ये फुटबॉल का वो समय है जिस समय फुटबॉल को पैरों से मारकर उद्घाटन की प्रक्रिया चल रही है। फिलहाल आप देखेंगे तो रेखा पासवान दिख रही होंगी, वही डॉक्टर मीसा भारती दिख रहे होंगे, जिलाध्यक्ष दीनानाथ सिंह यादव दिखेंगे और तमाम लोग जो थे, तमाम नेता जो थे वो दिख रहे हैं। और फिलहाल आप देखेंगे तो मीसा भारती सभी से हाथ मिलाती हुई नजर आ रही है, सभी की हौसला बढ़ाती हुई नजर आ रही है। किया जा रहा है, लेकिन मैं यहाँ मौजूद सारे ग्रामीणों को और पालीगंज से और पालीगंज के आस पास से आए हुए और खास तौर पे यहाँ पे दूसरे राज्य से आई हुई महिला टीम, हजारीबाग की टीम खगड़िया से आई हुई है, पटना से आई हुई है और रोहतास जिला के, सबको मैं बताना चाहती हूँ कि ये जो अनुमंडल पालीगंज अनुमंडल जो बना वो हमारे पिताजी आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी की देन है और इस फील्ड से मांग किया गया कि इस मैदान को अनुमंडलीय मैदान घोषित किया जाए। तो मैं आप सबसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि चुनाव बहुत दूर नहीं है, 2025 में बिहार का चुनाव होने वाला है। आप एक वादा करिए आज कि आप हमारी सरकार बनाते हैं और इस मंच से मैं घोषणा करती हूँ कि यहाँ ये खेल का मैदान हम बना के दिखाएंगे।